नमस्ते एंड वेलकम टू माय अनदर हेल्दी कुकिंग ब्लॉग आज शेयर कर रही हूँ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी स्नैक्स की रेसिपी जो कि बनेगी मखाने से कभी होता है ना कि बच्चों को स्नैक्स में क्या दें हमेशा सिंपल मखाने बच्चे खाते नहीं हैं इवन हम लोगों को भी खाना पसंद नहीं होता कभी ऑफिस में होता है तो लगता है खाली समय में कुछ मंचिंग करने के लिए मिल जाए तो वैसे ही मैं मखाने की एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसको आप लंबे समय के लिए स्टोर करके रख सकते हैं बहुत हेल्दी भी होगी तो लगभग एक बाउल मैंने मखाने लिए हैं आप अपने हिसाब से क्वांटिटी को बढ़ा घटा सकते हैं साथ ही यहाँ पर मैं गुड़ लू गुड़ ले रही हूँ तो जो कि मैंने डी मार्ट से लिया ये पैक्ड वाला गुड़ है और जो कि मैं हेल्दी बना रही हूँ तो सिर्फ गुड़ का ही इस्तेमाल करूँगी नो शुगर कुछ भी ऐड नहीं करूँगी तो ये जो गुड़ है ना काफ़ी छोटे छोटे क्यूब्स में कटा हुआ था और मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था और एकदम प्योर वाला गुड़ है ये अगर आप परचेस करना चाहें तो डीमार्ट से ले सकते हैं नहीं तो आप अपना देशी गुड़ जो भी आपके पास में अवेलेबल है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ये थोड़े से क्यूब्स में ऑलरेडी कटे हैं लेकिन हमें इसको फिर भी थोड़ा सा क्रश करना है क्योंकि आगे के प्रोसेस करने में हमें ईजी होगा तो हम इसको इस तरीके से रफली चॉप कर लेंगे बहुत ज़्यादा महीन चॉप करने की ज़रूरत नहीं है रफ़ली चॉप कर लीजिए लगभग ये एक कटोरी के लगभग हमारा गुड़ हो गया था तो जो भी आप प्रिपेशन करें जैसे भी करें तो एक कटोरी गुड़ आपका होना चाहिए एक बाउल मखाने में तो अब हम चलिए आगे के प्रोसेस कर लेते हैं तो कढ़ाई ले लेंगे कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे कढ़ाई की गर्म होते से ही एक चम्मच के लगभग देसी घी ऐड करेंगे देसी घी जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें अपने मखाने ऐड कर देंगे तो यहाँ पर अभी मैं आधे मखाने ऐड कर रही हूँ आधे मखाने में बाद की रेसिपी के लिए ही रख रही हूँ और मखानों को अच्छी तरीके से ड्राई रोस्ट कर लेंगे मखानों को रोस्ट होने में लगभग पाँच से सात मिनट लग जाता है तो मीडियम लो फ्लेम पर आप इसको फ्राई करें नहीं तो मखाने जल्दी से जलने लग जाएंगे तो ये तो बहुत सिंपल रेसिपी है ये देखिए ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं काफ़ी अच्छे से धुआं निकल रहा है तो मैंने गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दिया अब हम इसको चेक कर लेंगे ये कुरकुरे इस तरीके से टूट रहे हैं उंगलियों से तो बस इनको हम रख देंगे साइड में और एक प्लेट में इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे ये रेसिपी इतनी अच्छी है ना मखाने की कि आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे और ये इतने हेल्दी है कि बस बता ही नहीं सकते तो बस अभी मैंने गैस का फ्लेम ऑन नहीं किया है क्योंकि कढ़ाई ऑलरेडी गर्म थी तो गुड़ को ऐड कर देंगे आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें मतलब बहुत ज़्यादा नहीं एकदम दो से तीन बूंद के लगभग बस ज़्यादा नहीं चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं तो बस हम इसको अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेंगे जितने भी ये बड़े बड़े गुड़ हैं ये अच्छे से मेल्ट हो जाए गैस का फ्लेम लो रखें और लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे जब ये मेल्ट हो जाएगा तो मेल्ट हो जाने के बाद में इसको दो मिनट और अच्छे से पकने के लिए हम छोड़ देंगे मतलब बराबर चलाते रहेंगे इसको छोड़ना नहीं है लेकिन दो मिनट हम मिन इसको अच्छे से पकाएंगे जब दो मिनट हो जाएगा तो हम एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेंगे मतलब बहुत ज़्यादा पानी नहीं थोड़ा सा पानी लेंगे और इस बैटर को उसमें डालेंगे अगर बैटर दो मिनट बाद बैटर को चेक करेंगे दो मिनट बाद नहीं कुछ सेकेंड्स के बाद हम बैटर को पानी से निकालेंगे अगर बैटर इस तरीके से खींच रहा है आप देख सकते हैं वीडियो में ये अगर इस तरीके से खिंच रहा है तो इसका मतलब की है अभी हमें एक मिनट और अच्छे से गुड़ को पकाना है तो हम अभी इसको एक मिनट और अच्छे तरीके से चलाएंगे और पकाएंगे तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है जिसमें हमें मखाने गुड़ के जो मखाने हैं ना ये इंपॉर्टेंट ट्रिक हमें बहुत अच्छे से फॉलो करनी होती है तो एक मिनट यहाँ अच्छे से कम्प्लीट हो गया है मैं फिर से इसको चेक कर रही हूँ और इसके कुछ देर बाद मैं पानी से उस बैटर को निकालूंगी और जब ये बैटर कड़ा हो जाए मतलब कि आपके हाथों से टूटने लग जाए समझिए कि ये बैटर कंप्लीट हो चुका है तो गैस का फ्लेम आप लो ही रखें गैस का फ्लेम ऑफ नहीं करना है आपको अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से सफ़ेद वाले तिल अगर आपके पास में रखे हैं तो ऐड कीजिए बहुत अच्छा टेस्ट आएगा थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च मतलब चार से पांच काली मिर्च को मैंने कूट लिया था दर दर उसको ऐड कर देंगे ये दोनों फ्लेवर मखाने में बहुत अच्छा टेस्ट देंगे बच्चों को बहुत पसंद आएंगे इवन सभी को पसंद आएंगे बस हम मखाने ऐड कर देंगे और मखाने डालने के बाद में भी आप गैस का फ्लेम लो रखें ऑफ़ नहीं करें वरना जो मखा जो हमारा गुड़ है ना वो बहुत जल्दी से ड्राई हो जाने लग जाएगा और ठंडा हो जाएगा जिससे कि क्या होंगे मखाने में अच्छे से कोटिंग नहीं हो पाएगी तो लो फ्लेम पर आप अच्छी तरीके से मखाने में कोटिंग कर लें और अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको तुरंत से हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये बहुत जल्दी से ठंडा हो जाएगा आपको बहुत ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है जब ये हल्का सा गुनगुना हो जाए मतलब हाथों से छूने लायक हो जाए तब आप इस मखाने को अलग अलग कर सकते हैं वैसे तो ये बहुत इजी ट्रिक है लेकिन जब हम गुड़ की प्रोसेस करते हैं ना तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने लग जाता है तो जैसे जैसे मैंने बताया उस हिसाब से करें ना बहुत बढ़िया स्नैक्स बनकर तैयार हो जाएगा तो हम इसको थोड़ी देर ठंडा हो जाने देते हैं मतलब पाँच से सात मिनट के लिए फैला दीजिए और जब ये थोड़ा सा छूने लायक हो जाए तब आप इसको मखानों को अलग अलग कर लीजिए और आप देखेंगे कि कितनी जल्दी ठंडा हो गया है मतलब अभी ये थोड़ा सा गुनगुना है आप देखेंगे कि गुड़ जो है ना थोड़ा सा खिंच रहा है बट टेंशन मत लीजिए बाद में जब ये पूरा ड्राई हो जाएगा तो बहुत अच्छे से कुरकुराहट आ जाएगी और आपको खाने में बहुत अच्छा लगेगा जैसे हम लोग चॉकलेट वाला मखाना खा रहे हैं तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी आप चॉकलेट की बहाने ये मखाने आप उसको दे सकते हैं टिफिन में बच्चों के या फिर ऑफिस में इवन आप खुद भी व्रत में इसको खा सकते हैं तो ये रेडी हो गए इनको साइड में रख देते हैं अब हम वापस से बाउल में थोड़े से और मखाने ले लेंगे तो ये दोनों मतलब नमकीन मखाना और मीठा मखाना मैंने तैयार करा था क्योंकि बच्चों का जो टिफ़िन होता है ना खाना तो हम दे देते हैं लेकिन लगता है कि कुछ स्नैक्स हो जाए जो बच्चों को हेल्दी वे में पहुँच जाए वरना जो चिप्स ये सब तो मैं अवॉइड ही करती हूँ तो अब हम वापस से कढ़ाई में घी ऐड करेंगे और थोड़ा सा मैं घी के साथ में नमक ऐड कर देती हूँ और मखाने ऐड कर देंगे उससे क्या होगा कि घी और नमक की कोटिंग जो है ना मखाने में बहुत अच्छे से आ जाएगी ये नमकीन वाले मखाने हैं ये सिंपल वे में मैं बना रही हूँ और ये ज़्यादा से रोस्ट करके आप रख लीजिएगा टाइट एयर टाइट डिब्बे में तो एक हफ्ते से ज़्यादा ये चल जाते हैं और बच्चों को टिफ़िन में हमेशा दे सकते हैं तो ये काफ़ी हेल्दी स्नैक्स है आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा तो ये मखाने आप अच्छे तरीके से रोस्ट हो गए बहुत अच्छे कुरकुरे हो गए हैं तो हम इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला क्योंकि नमक हमने ऑलरेडी ऐड कर रखा है आप चाहें तो इसमें काला नमक भी ऐड कर सकते हैं और अगर आपको चाट बनानी है तो इसमें थोड़ा सा टमाटर प्याज वगैरह काट के मखाने वाली चाट भी तैयार कर सकते हैं तो थोड़ा सा चाट पाउडर डाल देंगे और अच्छी तरीके से इसको ऐसे इस तरीके से बाउंस कर लेंगे तो रेडी हो जाएंगे हमारे नमकीन और मीठे मखाने तो आप भी इसको जरूर से ट्राई कीजिए और लंबे समय तक आप मीठे वाले मखाने को स्टोर करके रख सकते हैं तो मैं तो इसको स्टोर करके रखती हूँ आप भी रखिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा थैंक यू सो मच बाय बाय